गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे हो। मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह सुबह किचन से एक नए व्लॉग को शुरू कर रही हूँ और आज है संडे मॉर्निंग। तो संडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी ऑलरेडी शुरू हो गई है और यहाँ पे मैं मसाला भून रही हूँ। बनाऊँगी छोले और छोले के साथ ना आज कुछ स्पेशल बन रहा है, बनाऊँगी भटूरे। तो मोनजीत को बहुत मन था भटूरा खाने का और यहाँ पे उतना अच्छा ना छोले भटूरे नहीं मिलते हैं, तो मैंने YouTube में रेसिपी देखा और वही देख के मैं बनाऊंगी आज। तो डर भी लग रहा है, पता नहीं अच्छा बनेगा कि कैसा बनेगा। तो छोले को तो मैंने रात को ही बॉयल करके रख दिया था, तो उसको अभी मसाले के साथ भून के रख दिया है, वो बनता रहेगा एक साइड में। और दूसरे साइड में मैं यहाँ पे जो डो है वो बना रही हूँ। तो मैदा लिया, ऊपर से ऑयल डाला, थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालूंगी और साथ में थोड़ा सा दही। तो दही को मैंने थोड़ा सा फेंट के रख दिया था, तो उसी दही को डाल के और फिर इसका मैं डो बनाऊंगी। तो मैंने देखा है यूट्यूब में ऐसे ही लोग बनाते हैं, तो फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो देखती हूँ कैसा बनता है। तो बस देखिए, दही को फेंट के रखा था, दही को भी डाल दिया और अभी थोड़ी अच्छे अच्छे से मसल के इसको अच्छा सा डो मैंने बना लिया है। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ और फिर इसको ढक के कुछ देर रेस्ट होने के लिए छोड़ दूंगी, तो ये फूल जाएगा ना, अच्छा बनेगा तब। तो बस यहाँ पर डो बन चुका है मेरा और इसको ढक के मैं साइड कर दी। इधर छोले भी देखिए अच्छे से एकदम भुना भुना सा हो गया है, तो पानी डाल के मैं इसका ग्रेवी डाल रही हूँ। तो थोड़ा ग्रेवी वाला ही बनाऊंगी, भटूरे के साथ खाने में अच्छा लगेगा। तो बस ये भी हो गया है। सब रेडी है, अभी गर्मा गर्म भटूरे तल लिया जाए। मैं उतना बड़ा नहीं बेली हूँ, छोटा छोटा ही बेली हूँ, क्योंकि मेरे पास कढ़ाई भी उतना बड़ा नहीं है। और देखिए अच्छा सा फूल रहा है, देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, पर खाने टाइम देखेंगे कैसा बना है, पर बना के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये रहा हमारा यमी यमी सा ब्रेकफास्ट, फूले फूले भटूरे, छोले की सब्जी और साथ में चाय। संडे एकदम मस्त बन गया है हम लोगों का। तो बस अभी दोनों बैठ के एंजॉय कर रहे हैं हमारा ब्रेकफास्ट। फर्स्ट ट्राई में ही बहुत अच्छा बना है, मतलब छोले तो अच्छा बना ही है, भटूरा भी काफी अच्छा बना है। हाँ, दुकान जैसा तो नहीं बना, लेकिन टेस्टी बहुत ज्यादा हुआ है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब मनोजीत से पूछती हूँ कैसा लगा। फर्स्ट ट्राई बहुत अच्छा था, मतलब वैसा पतला नहीं हुआ, लेकिन खाने में वही टेस्ट आया, थोड़ा मोटा हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है छोले के साथ। और इसको तो एकदम इसका फेवरेट है छोले भटूरे। अरे छोले भटूरे मतलब कुछ भी दे दो और छोले भटूरे दे दो, मैं खा लूँगा। थैंक यू। हमारे यहाँ पे ना उतना अच्छा छोले भटूरे नहीं मिलता है, तो इसलिए मैंने सोचा घर पे ट्राई करती हूँ, अगर मुझसे बना तो मनोजीत कभी कभी खा पाएगा, उसको इतना पसंद है ना। तो मेरा क्या हुआ ना, थोड़ा थिक हो गया है, मतलब वो लोग दुकान में और थोड़ा थिन बेलते हैं और उसके बाद फूला फूला बनता है ना, मेरा भी फूला है लेकिन थोड़ा मोटा मोटा हुआ है, पर कोई बात नहीं, खाने में काफ़ी अच्छा हुआ है, तो धीरे धीरे ये भी सीख जाऊंगी। पहले तो मुझे रोटी बनानी भी नहीं आती थी, अब तो इतना अच्छा ही बनाती हूँ, पराठा बनाती हूँ। तो मैं मनोजीत को बोल रही हूँ, करती रहती हूँ, ट्राई करने में क्या हर्ज है, करते करते ही इंसान सीखता है काम, तो एक दिन तो सीख ही जाऊंगी। ब्रेकफास्ट करके फिर आगे लंच बनाने के लिए, और जल्दी जल्दी से लंच बना रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और किचन में रुकने का मन ही नहीं कर रहा है, इसलिए जितना जल्दी हो सके ना मैं लंच बना के निकल जाऊँगी रूम से, ऐसा लग रहा है। तो चिकन बना हुआ है, दाल सब्ज़ी और एक फ़िश करी मैं बनाऊँगी। और यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा पोमग्रेनेट ली हूँ और इसमें थोड़ा सा मैं लाल मिर्च, नमक और थोड़ा सा सरसों का ऑयल डाल के मिक्स की हूँ, चाट जैसा लगेगा, खाने में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे है धसेरी आम, इसको भी काट लिया है, तो अभी इसको लेके चलती हूँ बेडरूम में, वहाँ पे बैठ के खाएंगे। इस रूम में इतना शांति है ना, खाने के बाद ये रूम मनोजीत एकदम चिल करके रखता है। अभी 5 मिनट बैठ के फिर नहाने जाऊंगी, तो बस अभी थोड़ा सा ये फ्रूट्स लेती हूँ, थोड़ा आराम मिलेगा। कितना गर्मी, मतलब मैं क्या बताऊँ, भाग जाने का मन कर रहा है यहाँ से। यम, इतना मीठा आम है ना, उसके ऊपर फ्रिज का ठंडा ठंडा,
इतना अच्छा लग रहा है। नहा के आके जस्ट नाउ अभी पूजा किया और करीब 3 बज चुका है आज, इतना लेट हो गया है। मतलब मैं थोड़ा लेट से ही गई थी नहाने, और कुछ काम कर रही थी, तो अभी खाना खाएंगे और बस अभी जाऊंगी, थोड़ा रेडी होंगी, सिंदूर विंदूर लगाऊंगी, उसके बाद खाना दे दूंगी। तो फाइनली क्या क्या आज लंच में है दिखा देती हूँ एक बार। ये पतली सी मसूर की दाल और यहाँ पे नींबू काट के रखा है मैंने। नींबू निचोड़ के ना खाने में इतना अच्छा लगता है दाल में। और परवल फ्राई किया, फिश फ्राई किया, फिर इसके अंदर है आलू डाल के ड्राई फिश की करी, पतली एकदम पतली, देखिए मैंने बनाया है। चिकन है पर वो आज निकाला नहीं, फ्रिज में ही है, अभी खाने का मन नहीं है। शाम हो गई है और बस अभी करीब 8 बजने को है, तो चाय वाय पी के मैं और मनोजीत निकल रहे हैं बाहर। यही काम है अभी। ये मैं बोल रही थी बस और कुछ नहीं, खा पी के शाम को खा पी के निकल जाने का, बहुत गर्मी है, घर पे सच में रहने का मन ही नहीं कर रहा है और कितना एसी चला के रहे, तो इसलिए मनोजीत बोल रहा है चलो हवा खा के आते हैं, थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। तो अभी 8 बज रहा है, निकल रहे हैं, 10:30 बजे तक आएंगे आराम से घर पे। तो चलिए आप लोगों को भी साथ में लेके चलते हैं हम लोग। भूख लग गया तो हम लोगों ने सोचा कहीं पे जाके स्नैक्स खाते हैं, तो एक रेस्टोरेंट दिखा जहाँ पे इटालियन, मैक्सिकन और चाइनीज मिल रहा था, तो हम लोग वहीं पे गए, सोचा ट्राई करते हैं। पहले तो मैक्सिकन ट्राई करने का मन था लेकिन बाद में इटालियन ट्राई किया, स्नैक्स खाने गए थे एंड वी एंडेड अप हैविंग आवर डिनर ओनली। तो यहाँ पे देखिए सिजलर हमने ऑर्डर किया था, ये इटालियन चिकन पेरीफेरी सिजलर था, तो उसको ऑर्डर किया था और खाने में बहुत बहुत टेस्टी था, गरम सर्व हुआ था तो बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। और इसमें ना एक सॉस उन लोगों ने दिया था, एक डिप जिसको बोलते हैं, इतना टेस्टी था, उसको ऊपर से डाल के मिक्स करके खाने में मतलब हेवन जैसा फील हो रहा था, इतना अच्छा इतना टेस्टी बना था। तो मुझे तो और एक दिन यहाँ जाने का मन है और भी जो डिशेस है ट्राई करना है। तो अच्छे से हम लोगों का डिनर भी हो गया, घूमना भी हो गया, काफ़ी अच्छा लगा। मनोजीत भी बोल रहा था घर पर जाके क्या करें, चलो डिनर करके ही चलते हैं, तो काफ़ी यमी डिनर था। और फिर हम लोग सीधा घर वापस आ गए, फाइनली घर आ गए हैं और 9:30 बज रहा है। एक्चुअली घूमने तो निकले, फिर हम लोगों ने सोचा थोड़ा पिज़्ज़ा वगैरह कुछ खाएंगे, लेकिन जाके देखते एक रेस्टोरेंट है जिसमें इटालियन, मैक्सिकन ये सब भी मिल रहा था, तो सोचा क्यों ना चलते हैं देखते हैं क्या है। और फिर मेनू में सिजलर था तो देख के खाने का मन कर गया, तो मुझे तो बोलता है चलो डिनर करके ही चलते हैं, फालतू में इतना तो जा बाहर डिनर करना, वरना इस महीने हुआ ही नहीं, निकले ही नहीं हम लोग, तो इसलिए फिर इटालियन पेरीफेरी चिकन सिजलर मंगवाया था। इतना टेस्टी था ना, मतलब बहुत बढ़िया था। और हम लोग देख रहे थे उस रेस्टोरेंट में जो भी आ रहा था सिजलर ही ऑर्डर कर रहा था, मतलब उन लोगों का सिजलर बहुत अच्छा होगा ऐसा हमें लगा। तो बस काफ़ी अच्छा शाम बीता, घूमना भी हुआ, बाहर थोड़ा हवा भी चल रहा था इसलिए काफ़ी अच्छा लगा निकल के। और फिर डिनर भी हो गया, आज हम लोगों का फ्री ही फ्री टाइम है अभी, तो बस अभी फ्रेश होके थोड़ा टीवी देखेंगे, कुछ सीरीज़ वगैरह कुछ देखेंगे कुछ देर, क्योंकि कल आज तो संडे है, कल मंडे है, तो कल यहाँ पे इलेक्शन है तो इसलिए छुट्टी है मनोजीत का, तो बस इसलिए आज रात को थोड़ा एंजॉय करेंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं तक रखती हूँ, आशा करती हूँ ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ फिर आपके साथ एक नए ब्लॉग में, टिल देन अच्छे से रहिए, खुश रहिए एंड कीप वॉचिंग बाई फोकल जिंदगी।